जैसे कि लगातार नगर परिषद नकड़ियागंज का नॉमिनेशन हो रहा है, इसी बीच दुलिया 6 नंबर वार्ड के सलमा खातून का नॉमिनेशन हो गया, उसी ओवरऑल क्या कहेंगे आपके घर वाले लोग के तरह से नॉमिनेशन हो गया है, क्या लगता है कि कितनी जीत होगी या लोगों क्या दो आशीर्वाद है? निश्चित इंशाल्लाह हमारी जीत होगी और लोगों का आशीर्वाद और दुआ मेरे साथ रहा है। हमने सन 2007 से लेकर के और 2017 तक हमने वार्ड का नेतृत्व किया है। 17 में हम हार गए, फिर अब की बार जनता हमको च्वाइस कर रही है, जनता हमको चुन रही है। हारने के बाद ही हम 5 साल जो रहे थे हम वर्क बराबर कर रहे थे, लोगों के बीच में रहते थे, लोगों को सेवा करते थे। अभी भी मेरे अंदर लोगों की सेवा की भावना है ना, और हमारी जीत होगी तो वार्ड नंबर 6 की चौतरफा विकास होगी। चलिए क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी आप लोग आ रहे हैं, आपके साथ तमाम एक तरह से जनता है और लोगों की आशीर्वाद है, क्या लगता है जब आप जाते हैं कंपेन करने तो क्या कहते हैं, मतलब कि किस मुद्दा पर आप वोट मांगते हैं कि विकास करना है क्या करना है? नहीं, हम वोट मांगते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। हम ऐसी अभी लगातार मेरा 2007 से लगातार हम ऐसी लोगों के बीच में रहे हैं। 10 साल में हमने चौतरफा जो विकास किया था जी, अगर हमको समय जनता देती है तो जितने वार्ड की समस्या है हम सबको कोशिश करके पूरा करने। कहीं ना कहीं इससे जो अभी जो 5 साल का टर्म हुआ इसमें आप वार्ड नहीं थे, लेकिन क्या लगता है कि आप नहीं थे तो जनता आपको मिस कर रही थी? नहीं, जनता तो मिस कर ही रही थी, उसके साथ साथ जनता मेरे घर पे आती थी या फिर हमसे कोई भी समस्या का या समाधान होता था हम करते थे। और लोगों का प्यार मोहब्बत हमको दिखाई दिया, हमको मिला, इसीलिए हमने फैसला कि फिर हमको वार्ड में लड़ना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे लगातार जो दुलिया वार्ड नंबर 6 से हैं सलमा खातून जी हैं, सलमा खातून हैं, उनके अभिभावक हैं चुना मियां हैं, जो कि एक तरह से यहाँ पर नॉमिनेशन कंप्लीट करके वापस अब घर की तरफ जा रहे हैं और अपना प्रचार करेंगे। बहरहाल जामिया और देखते हैं साथ पब्लिक न्यूज़ में, हम तस्लीम, बिहार के चंपारण, अनुमंडल नकड़ियागंज से।